वाओ राखी बहन, आपकी चॉइस ना बड़ी जबरदस्त है। ये रिश्ते भी जो है ना बड़ी अजीब चीज है। कल सबमिशन है ना, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ेगा। माँ बाप बेवकूफ नहीं होते बेटा, बच्चों को लगता है कि वो होते हैं। सीरियल अनुपमा में बहुत दिनों बाद आया है खुशी का माहौल। एक तरफ जहां लेडीज निकल गई हैं पिकनिक के लिए, वहीं दूसरी तरफ घर के जेंट्स कर रहे हैं पार्टी। ये रिश्ते भी जो है ना बड़ी अजीब चीज है। जरा जरा सी बात पे टूट जाते हैं, बताओ। अच्छा ये भी कोई बात हुई कि मोफली में दाना नहीं और मैं तुम्हारा नाना नहीं। वाह वाह, शुक्र है भगवान का कि हमें अभी तक ऐसी मूंगफली नहीं मिली। और शुक्र है भगवान का कि अभी तक ऐसा कोई नाना नहीं मिला। वाह 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 वाह। अपने अलग अंदाज में अनुपमा राखी एंड गैंग निकल चुका है। वाह हाय, बहुत सरस। ए आपने सामान, रुको ए बाबा, ये आ जाएगा, वो सामान रूम में पहुंच जाएगा। हां नाइस प्लेस ना, है ना। वाओ राखी बहन, आपकी चॉइस ना बड़ी जबरदस्त है। मैं भी तो जबरदस्त हूँ जॉली। हाँ। वो तो है। हम बहुत साल पहले यहाँ पे आए थे एंड मॉम इट वाज सो मच फन। आई नो, पर इस बार भी हम बहुत एंजॉय करेंगे बेटा। हाँ एक मिनट, ट्रे प्लीज। और वहाँ कभी सेल्फी ली जा रही है तो कभी पाउट बनाया जा रहा है। अरे वाइट करना, वाइट कर उसको, वाइट कर कैमरे में, वाइट कर, वाइट कर। ये बेटर है। अरे तुम सामने से हटो, अरे उस हाथ से पकड़ो, उस हाथ से पकड़ो, कमाल करते हो, उस हाथ से पकड़ो। हाँ ये 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 मैं तुम्हारी टोपी के पीछे छोड़ रहा हूँ। देखो देखो देखो, बॉयज ने ग्रुप बनाया और पिक्चर शेयर करें। लुक एट दिस। अरे हम भी करेंगे। यस, लेकिन एक मिनट, तुम्हारे पास फोन कैसे आया? अरे या हमें भी करना चाहिए। नहीं, हाँ हाँ हम भी शेयर करेंगे। कम ऑन कम ऑन गर्ल्स, कम पाउट। अरे पाउट, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा कावड़ा ले लिया सादे आप लोग। वहीं दूसरी तरफ अनुजन गैंग एक साथ मस्ती कर रहे हैं। अच्छा ये भी कोई बात हुई कि मोफली में दाना नहीं और मैं तुम्हारा नाना नहीं। वाह वाह, शुक्र है भगवान का कि हमें अभी तक ऐसी मूंगफली नहीं मिली। और शुक्र है भगवान का कि अभी तक ऐसा कोई नाना नहीं मिला। वाह 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 वाह। अरे आप लोग इतने बेकार पीजेस पे इतना एक्साइट कैसे हो सकते हो? ऐसे बेटा समर, या तो तू कोई अच्छा सा जोक सुना दे या हमें पीजे में खुश रहने दे। पापा आपको तो पता है मुझे जोक सुनाना नहीं आता। तो चुपचाप बैठ और हमें अपना काम करना है। अरे काम करने से याद आया बापूजी, एक काम करते हैं, हम लोग अपने काम जो है ना बांट लेते हैं, इजी रहेगा। हाँ। क्या बोलते हो? देखो मुझे चाय बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। ले। तो अरे वही जो तुम नहीं करते हो। वैसे यार मुझे ऐसा लगता है कि जीके और मेरे अलावा ना घर का काम किसी और को करना नहीं आता। नहीं 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 नहीं, मुझे आता है। क्या? सब्जी काटना। और मुझे भी आता है सब्जी खाना। अरे यार वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन भरा सीरियल में खुशी का माहौल ज्यादा देर तक कैसे रह सकता है? वनराज एंड गैंग पार्टी कर ही रहे होते हैं तभी पाखी आती है और पाखी वनराज से बाहर जाने की परमिशन लेती है और वो वनराज से झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड के घर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। सॉरी मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया, लेकिन बताने आई थी कि जा रही हूँ। पापा वो कल सबमिशन है ना, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ेगा। आप ड्रॉप करने चल सकते हो और लेने भी आ सकते हो। मैंने अपनी फ्रेंड का नंबर आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। सच तो ये है कि वो अधिक के साथ होती है, वनराज से परमिशन दे देता है। बेटा मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं तू यहाँ से जाए और मेरा भरोसा टूट जाए। कोशिश ये करना बेटा कि मेरा भरोसा ना टूटे। नो नो पापा, नेवर। ठीक है तो तू ऑटो से चली जा। पक्का? अरे हाँ बाबा जा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा का उसे कॉल आता है जहाँ पाखी अनुपमा को ब्लेम करती है कि अनुपमा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। राखी आंटी का फोन, मैं नहीं उठाती हूँ।
आई गेस तुम्हारी मम्मी भी उनके साथ ही है ना, तो क्या पता वो फोन कर रही हो। एक बार उठा के देख लो। हाँ स्वीटी, मैं बोल रही हूँ। मम्मी मम्मी, आई नो आपको भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, और चेक करने के लिए आपने कॉल किया है ना। एक काम करो, मैंने ना पापा को अपनी फ्रेंड का नंबर दिया है, आपको भी देती हूँ, और आप फोन करके क्रॉस चेक कर लो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ और। नहीं मम्मी प्लीज, आप झूठ मत बोलिए। आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं आपको नंबर भेजती हूँ, फोन करके पूछ लो या वीडियो कॉल कर लो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ मम्मी। वही बीच में अनुपमा पाखी को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो क्योंकि पीछे से ट्रैफिक की आवाज आ रही है। सड़क पे पढ़ाई नहीं होती, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तू पढ़ाई नहीं कर रही है, पीछे से ट्रैफिक की आवाजें आ रही है। माँ बाप बेवकूफ नहीं होते बेटा, बच्चों को लगता है कि वो होते हैं लेकिन होते नहीं है। जब तक तू अपने सॉरी ऑर्डर, हाँ हाँ लेकिन होते नहीं है। मुझे पता है कि बच्चे माँ बाप से झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, शायद पार्टी भी करते हैं। मुझे पता है कि इस उम्र में बच्चे माँ बाप से झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाते हैं, कभी कभी पार्टी करने जाते हैं। जब तक तू अपनी सहेलियों के साथ है, जब तक तू अपने सहेलियों के साथ बाहर है, उनके साथ घूम फिर रही है, उनके साथ फिल्म वगैरह देख रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर तूने कुछ ऐसा वैसा किया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ऐसे में आने वाले एपिसोड में इनकी खुशियां कितने देर तक रह पाएंगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा।